ओम नमः ओम नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदा जीव जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम ये झाया झाणी कही कम कलंक दही नित्य निरंजन लान मैत्र परम नम समय सारा अनुभूत्या चकाशी चित्स्वभावाय भावाय सर्व भावाय पुरुषार्थ सिद्धि पाए में सत्य व्रत की चर्चा है। सत्य व्रत का मतलब है असत्य का त्याग। जैसे निर्गंध का मतलब है समस्त परिग्रह का त्याग। वैसे देखा जाए तो नग्न तो पैदा ही होता है, नग्न तो पैदा ही होता है, लेकिन पहले कपड़े पहन रखे हैं ना, तो उनके उतरे बिना निर्गंधता प्रकट नहीं होती। पहन रखे उसने, सोना खान से निकला है तो किट्टी कालिमा सहित निकला है, इसलिए किट्टी कालिमा अलग हुए बिना उस सोने में जो तेज है कांति है वो प्रकट नहीं होता। वो शुद्ध सोना शुद्ध स्वभाव होने पर भी कहा नहीं जाता, शुद्ध सोना नहीं कहा जाता। ऐसे ही अनादिकाल से ये आत्मा आत्मा है, परंतु पर्याय में अपने को भूला हुआ। देखो ज्ञान स्वभाव भी अनादिकाल से है और अज्ञान भी अनादिकाल से है। जैसे सोने का शुद्ध स्वभाव भी है और उसके साथ कृत्य कालिमा भी कोई बीच में नहीं मिला दिया, चावल भी है और छिलका भी किसी ने ऊपर से कोट नहीं कर दिया, लगा नहीं दिया है, बोलो छिलका सहित ही पैदा हुआ है। वह जो धान हुआ है ना वो छिलका सहित ही हुआ है, लेकिन छिलका भी सना धान के साथ पैदा हुआ है इसलिए खाने योग्य है, ये कुतर्क है। साथ में अनाज काल से लगा हुआ होने पर भी वह छिलका अलग कर देने लायक है। ऐसे ही ये अज्ञान अनाज काल से हुआ होने पर भी दूर करने लायक है, छोड़ने लायक। तो इस सत्य व्रत की भाषा में कहें तो अपन कहेंगे देखो असत्य अनाज काल से। असत्य अनाज काल का मतलब क्या है? अनाज काल से इस आत्मा ने अपने को आत्मा नहीं माना। एक चर्चा की थी याद हो तो, संसार में सुख है इससे बड़ा झूठ नहीं है। बहुत बड़ा झूठ है ये, क्या परसेंट मोक्ष बिना कहे जो मैं सुखिया सो अज्ञान मूरन में मुखिया। तो अनादिकाल से आत्मा है और अनादिकाल से जीव ने अपने को आत्मा माना ही नहीं, तो क्या हो गया ये असत्य श्रद्धान। अनादिकाल से अपने को आत्मा जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से बोलो, अनादिकाल से जीव को
प्रकट रूप से देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान मूर्तिक को ग्रहण करता है, अमूर्तिक को नहीं। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान से शरीर देखने में आता है, आत्मा जानने में आता ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। क्यों? उसमें इस बार सह नहीं, रस है नहीं, ग्रहण है नहीं, गंध है नहीं, वर्ण है नहीं, शब्द है नहीं। अब बताओ इंद्रियों से कैसे, कौन सी इंद्रिय से जानने वाला? लोक में भी एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रिय से जानने में नहीं आता। इस पर रख करके बताओ मीठा है कि खट्टा, चेक कर लिया। एक इंद्रिय का विषय दूसरे इंद्रिय से जानने में नहीं आया। एक इंद्रिय जीव को रस वस की कुछ पता नहीं, केवल स्पर्श। दो इंद्रिय जीव को स्पर्श और रस का ज्ञान है, बाद बहुत तीन नहीं। तीन इंद्रिय जीव को वर्ण का ज्ञान नहीं। चींटी को शक्कर खूब प्रिय है, लग जाएगी, लेकिन उस चींटी को शक्कर सफेद है वो पता नहीं, इसका रंग क्या है ये नहीं मालूम। ग्रहण इंद्रिय इतनी तेज है, वहां डिब्बे में रखी है तो वहां पहुंच जाएगी, लेकिन उसके रंग ही पता नहीं। इंद्रिय ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है, सीमित है। तो इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा जानने में नहीं आता, मूर्तिक शरीर जानने में आता है। और किसी न किसी को अपना तो मानेगा ही। आपने देखा होगा जिन बच्चों को घर में लाड़ प्यार नहीं मिलता वे बच्चे जल्दी बिगड़ जाते। जिन बच्चों को घर में इसलिए नहीं मिले, लाड़ प्यार नहीं मिले, वे बिगड़ जाते अधिकांश। क्यों? अराजक लोग उनकी इस मनो विज्ञान का बड़ा फायदा उठाते। एक घटना सुनाई थी तुम्हें, एक बच्चा 12-13 वर्ष का होगा, घूम अपने घर से निकल कर के और कहीं चला जा रहा, खड़ा हो गया। बिना उद्देश्य के कहां जाए कैसे जाए, खड़ा हो गया। उधर से तो निकले तो बेटे क्या बात है, काहे रो रहे, उदास क्यों, बोलो क्या बात, आज रोटी नहीं खाई, पापा ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया, क्या हुआ? बस बच्चा रोने लगा। रो मत बेटा, बताओ। वो हमने पापा से कहा था हमको मोबाइल दिलवाओ, फलाना दिलवाओ, उन्होंने डांट दिया हमको। अरे चलो हम दिलवा दे, मोबाइल क्या बात, पापा तो ऐसे ही हैं, चलो हम दिलवा दे। ले गए, बस ले गए, से ले गए। क्या खाएगा बता, जी खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले। उसके बाद फिर उसे नाना प्रकार के कर्म कराएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखना, बच्चों के लिए पैसा सब कुछ नहीं है, बच्चों के लिए समय देना सीखो, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठना सीखो, कुछ अच्छी बातें करना सीखो, इतना निर्भयता का वातावरण बनाओ घर में, बच्चे डरे नहीं। कोई बात हो तो तुमसे, माँ से, दादी से, हम किसी से कह सकें अपने मन की बात। हर व्यक्ति को एक न एक ऐसा चाहिए अपने मन का जिससे सब बातें कह दे। अगर वो नहीं मिलता है तो वो घुटता है, और घुटन में उसकी ज्ञान का भी विकास नहीं होता और उसे एक तरह का पाप बंद भी होता है। इसीलिए हमारे यहां भगवान के सामने सब कुछ कह देने की एक परंपरा है।
हे दीन बंद श्रीपति करुणा निधान जी, हल्के हो जाए। भगवान तो बीतराग, अरे बीतराग है इससे उनकी प्रभुता कम थोड़ी हो गई। बीतराग है वे, कोई देते लेते तो है नहीं। अरे देते लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पिताजी तुमको क्या देते अभी बता। सोचो ये चर्चा कहां आई है। आदि पुराण में ऋषभ देव मुनिराज ध्यान में खड़े हैं, 4000 राजा से भी बिचारे इधर उधर भटक गए। एक दिन एक प्रसंग बना, नमी और बिनमी विद्याधर जो उनके रिश्ते के भानेज होते थे आकर के बैठ गए, और मामा जी और आपने भरत आदि को सबको राज दिया, हमको राज नहीं दिया, हम क्या आपके नहीं है, हमको आपने क्यों छोड़ा है, हमको भी राज देव। तो धर्मेंद्र का आसन कम पायमान हुआ, तपस्या में विघ्न हुआ, आसन कम पायमान हुआ। आकर के खड़ा हो गया, हे विद्याधर रो क्या करते हो, तुमको समझ में नहीं आता भगवान के पास अब क्या है सो उनसे मांग रहे हो, राज्य मांगना है तो भरत के पास जाओ। तो नमी और मिनमी विद्याधर बोले, आपकी मुद्रा तो भद्र लगती है लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है, भगवान के रहते हुए हम भरत के काय को मान। अरे भगवान ने दीक्षा ले ली, सबको छोड़ दिया, तो इससे उनकी प्रभुता कोई कम थोड़ी हो गई है। ये बात वहां आई, चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है सब वस्त्र भूषण उतार देता है तो उसकी शोभा कोई कम थोड़ी हो जाती है, पूज्यता कम थोड़ी हो जाती है। पहले 6 खंड में आज्ञा चलती थी, अब 3 लोक में पूज्यता हो गई। सोना कहता है सुनार से, मालूम है तपाले तपाले तू, राख तेरे माथे आएगी, मेरा तो रूप निरखा का मुझे कपाल, राख तेरे माथे पड़ेगी। हमारा क्या नुकसान, हमारा तो किटी काली माला घूती जा रही है, रूप में नया चला जाता, कीमत बढ़ती चली जा रही है। विचार करो, तुम कर ले उत्सर्ग जितने करने हो, हमारे तो पूर्व कर्म की निजरा हो रही है, हमारा तो आत्मा का रूप निर्जरा। इतनी निंदा करनी हो कर लो, हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। अब तुम अपनी गलती से सहन नहीं करो, संकलेश करो, ये तुम्हारी गलती है। जितने उपसर्ग करने हो करो, जितने जितने उपसर्ग चाहिए उतनी उतनी, ये सहन शक्तियों का बल है जो तप के द्वारा पाया था, जिसने स्वर्गों में दीवों के सिंहासन को कम पाया था। धर्मेंद्र प्रसन्न होता हुआ बोला, हे भव्यो हम तो तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, हम भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है, और भगवान ने हमें तुम्हें भेजा है कि जाओ इनको राज दो, मेरे साथ चलो और तुम्हें राज देंगे। चलो देंगे, भगवान का दिया तुम्हारा नहीं, भरत का नहीं। हमारा मतलब ये है भगवान बीतराज हैं, ऐसे तुम जो महसूस नहीं, वे तो कुछ करते धत नहीं है, वे तो कुछ देंगे लेंगे नहीं, वे तो सुनेंगे नहीं। अरे उनको सुनने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, उनके केवल ज्ञान में जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हें पीड़ा है वो सब झलक रही है।
भगवान कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल सच्ची है 100%, परंतु निश्चयाभास खड़ा मत करना यहां। भगवान कुछ नहीं करेंगे लेकिन उनके सामने विनय भक्ति करने से, आलोचना करने से अपने परिणामों की विशुद्धि हुए बिना भी नहीं रहेगी, परिणाम विशुद्ध होंगे, कथाएं मंद होंगी, पाप का क्षय होगा, आगामी पापों का बंध नहीं होगा, तब उन कर्मों के उदय के निमित्त निमित्त संबंध के कारण स्वयं ही विघ्न दूर होंगे और सहायक सामग्री स्वयं में मिल जाए। कोई किसान भूसा के लिए खेती न करे तो उसके खेत में भूसा नहीं होगा क्या? क्यों हमें भूसा नहीं चाहिए, भूसा नहीं चाहिए, भूसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मिला वो तुम खूब कहो हमें भोग नहीं चाहिए। इंदादे का पद नहीं चाहो क्या? तुम्हें तो मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पद तुम्हारे लिए रिजर्व हैं, ऊंचे ऊंचे इंद्र अहम इंद्रादिकों के पद मुख्य रूप से सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व हैं, आरक्षण है बिल्कुल। क्यों? जिन परिणामों से वे ऊंचे पद मिलते हैं वे परिणाम सम्यक होने पर ही हो सकते, मिथ्यात होने की दशा में ऐसे परिणाम नहीं होते, इसलिए ऐसे ऊंचे पद भी नहीं होते। सम्यक्त होने पर नरकादिक जाने योग्य खोटे परिणाम नहीं होते, इसलिए नरकादिक में जाना भी नहीं होता, दुर्गति भी नहीं होती। वस्तु स्वरूप को सर्वांग समझा है वो विकलांग क्यों होगा? जितने वस्तु स्वरूप को सर्वांग समझा है वो विकलांग क्यों होगा? सांगो पांग समझा है, ऐसा नहीं है एकांत पकड़ा हो। एकांत गृह रखते सु नाथ पर वैर सु, एकांत गृह के जो ग्रसित हैं वे तो स्व और पर के बैरी हैं, अपना और पर का घात करते। मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, और क्या लिखा? व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तनते जगतीर्थ। अनेक अंतात्मक वस्तु स्वरूप को हमें ज्ञान से प्रत्यक्ष जानने वाले प्रत्यक्ष ही है, भले वो परोक्ष ज्ञान है, मत्सुत ज्ञान नहीं ज्ञान, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष बस हाथ पर रखे आंवले के समान समझो। केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है ही, उसकी तो बात ही नहीं। वे ही जगत में तिरने का उपाय, सुखी होने का उपाय, दुख दूर करने का उपाय, विघ्न बाधा मिटाने का उपाय है, आराधना का उपाय वे ही बता सकते, दूसरा कौन बताएगा? सोता हुआ व्यक्ति किसको जगाएगा? सोता हुआ व्यक्ति किसको जगाएगा? और मरा वैद्य किसको जिंदा करेगा? मरा हुआ वैद्य किसको जिंदा करेगा? हमारे गांव में एक बहुत बड़ी वैद्य थे, अच्छी वैद्य थे उनके, दूर दूर से उनकी बात मरी आते थे तो बुला लियो, नहीं बुला ली कभी, अब शांत हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या करेंगे बताओ? थे कोई बात नहीं, हम मने थोड़ी कर रहे। विचारना इन भगवंतों की प्रभुता को हल्का मत समझ लेना, जो कर्ता नहीं होते हैं, जो स्वयं होते हुए कार्य को स्वयं होता हुआ ही जानते हैं और स्वयं होते हुए कार्य को स्वयं होता हुआ जानकर जो निश्चिंत होते हैं, उधर से निरपेक्ष होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, अपने स्वरूप के अनुभवन में मग्न होते हैं, बेजीव धर्म तीर्थ के परिणता होते हैं। धर्म तीर्थ की कर्ता कौन होते बता? तीर्थंकर कौन है?
आचार्य कौन है, प्रकर्ता कौन है, इतना बड़ा संघ चलाने वाले। परमाणु मात्र के स्वामी नहीं मानने वाले वे तीन लोग के स्वामी होते हैं। सच्चे स्वामी है। सच्चा स्वामी कौन, जो तुम्हें अपना गुलाम बना करके रखे, जो तुम्हें अपने समान समझे। बता बक्ता मेरे सूत्र में पढ़ती हो, जो अधनी को आप समान करे सुन करे न सो निंदित धनवान। हे भगवान, आप अपने भक्ति करने वाले भक्त को, श्रद्धा करने वाले मैं भक्त को और आपका अनुकरण करके आराधना करने वाले भक्त को अपने समान बना लेते हो, ये कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि कहा गया है लोक में कोई भी राजा प्रसन्न होकर के तुम्हें राजा नहीं बना देगा। ये तो जैन शासन में ही है, अपने समान बस बना लिए। तो अनादि काल की आत्मा है, परंतु आत्मा समझा नहीं है, भूला हुआ अनाज, अज्ञान भी अनादि काल से। कभी कभी लोग इतने चक्कर में पड़ जाते, इतनी पुरानी परंपरा कैसे मिट गए, उनका मतलब है पुराना होने से सही हो गए। नहीं नहीं, मिथ्यास कितना पुराना है ये बताओ, मिथ्यास कितना पुराना है। तो अभी वो मिटने लायक है कि नहीं, छिलका कितना पुराना, माने जब से वो साथ में लगा हुआ है तो अभी हटाने लायक है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है अब याद लगा दिया है इसको हटा दो इसको। पुराने नए के चक्कर में मत रहो, सम्यक और मिथ्या को पहचानो, स्वर पर को पहचानो। तो अनादि काल से असत्य अर्थात मिथ्या सिद्धान है, मिथ्या ज्ञान है, और जब ज्ञान और सिद्धान मिथ्या है तो आचरण तो मिथ्या होगा ही। वो मिथ्याचरण कैसा है बोलो, मन वचन काय का निरूपण करो, व्यवहार नए बनाओ, निश्चय नए बनाओ, कुछ तो बनाओ भाई। वो मिथ्याचारित्र कैसा है, कसाय रूप है। मिथ्याचारित्र क्रोध मन माया लोभाधिक भाव रूप है। अब कैसे है वो थोड़ा सा समझने लायक है, लेकिन वो क्रोध मान माया लोग कसाय रूप ही तो है। चारित्र क्या है, साम्य भाव रूप है। सम्य चारित्र कैसा है, साम्य भाव रूप है। सम्य चारित्र कहता है कैसा है, व्रत रूप है मान लो, तो मिथ्या चारित्र कैसा हो गया, पाप रूप हो गया। पापों से विरक्तता का नाम व्रत है, व्यवहार नया आ गया। तो मिथ्या चारित्र कैसा है, पाप रूप है, कसाय रूप है, वो तो भीतर की बात हो गई। कसाय रूप अस्थिरता रूप, कसाय रूप, चंचलता रूप, ये हो गया ना। अब व्यवहार नहीं थे बोलो। मिथ्या विचार रूप है, मिथ्या विचार, उल्टे उल्टे विचार चलते। सवेरे भी हमने कहा था भैया आगम के अनुसार विचार करना सीखो, संतुलन बनाना सीखो, और नहीं तो भैया बिगड़ जाएगा मामला। हमने एक बात कही थी, कभी ध्यान हो तो ध्यान रखना हमेशा, शरीर भिन्न है, कृतघ्नि है, मलिन है, लेकिन तो भी मोक्ष मार्ग का निमित्त है यही शरीर। पड़ोसी है, पड़ोसी से बिगाड़े नहीं बनेगी, पड़ोसी से बिगाड़े नहीं बनेगी आपकी। इसलिए तुम लापरवाही से, अज्ञान से, अति भारारोपण से शरीर में शक्ति नहीं है तो ज्यादा कर रहे हो, और शक्ति है तो इसको छिपा रहे हो प्रमाद से। बिगाड़ो मत, शरीर को रोगी होगा तो तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं होगा। उस दिन वो क्या कह रहा था, क्या करें,
तबीयत खराब हो गई तो आप स्वाध्याय में मन नहीं लगे, तो बस समय दो। अब इसी प्रकार कसायों को लंबा मान मत करो, आ जाए तो यार के फेंको, लंबा मान मत करो। जैसे स्वच्छ घरों की व्यवस्था में गंदगी ये नहीं है पड़ी है तो पड़ी है, गंदगी हो भी जाती है, बाल बच्चों के घरें तो होती है, तो उसको तुरंत की तुरंत साफ कर देते हैं, हल किया। ऐसे ही इस मन में कोई दुर्विकल्प आ भी जाए तो तुरंत आगम का सहारा लेकर के, पंच परमेश्वर की भगवंतों का सहारा लेकर के हर तुरंत की तुरंत सफाई करो। तो मिथ्याचार कैसा है? मिथ्या विचारों रूप है, ठीक है ना, मिथ्या वचन रूप है और मिथ्या चेष्टाओं रूप है, क्रिया रूप है। मिथ्या विचार, मिथ्या वचन और मिथ्या चेष्टा मन वचन का, ठीक है ना। अब ये असत्य में यही है, असत्य में इतना सब अंतर गर्भित है। माने श्रद्धा भी तुम्हारी झूठी है, तुम्हारे ज्ञान भी झूठा है और तुम्हारे विचार बहुत खराब, सोच खराब है, ये समझ लो। उस दिन एक बात कही थी, वचन सुधारने के लिए आपको विचार सुधारने पड़ेंगे, सोच सही करनी पड़ेगी। अगर सोच सही नहीं होगी तो आप वचनों को कभी नहीं सुधार पाओ, अपने आप में खराब ही खराब निकलेंगे। क्या दृष्टांत दिया था बताओ? बताओ बताओ। दृष्टांत क्या दिया था? हमने कहा बेटा वो बाहर का बल्ब बंद कर दो, वो बल्ब बंद करो, और करोगे कहां से? खट गए, क्या कर रहा है वहां? क्या यार साहब बल्ब बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सो ही कर रहे हैं। यहां से कनेक्शन काटोगे, यहां से बंद होगा तो वहां बंद होगा, और वहां फूकोगे जाएंगे तो क्या हो वो? क्यों बाहर से जल रहा हो तो बाहर से बुझे, जब वो भीतर के करंट से जल रहा है तो भीतर के करंट से ही वहीं से तो कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पंखा बंद कर दो, यहां तो पंखा है नहीं, पंखा बंद कर दो तो कहां से बंद करोगे? वहां से करोगे, वहां बंद करोगे पकड़ के? बताओ। तो विचार करो, लौकिक में जब इतने चतुर हो तो यहां भी चतुर हो। ए जवान संभारो अपनी, कहा जाएगा जवान संभारो, और संभालने होंगे अपने को पढ़ना, परिणाम सोच बदलेगी तो वचन बदलेंगे, सोच जब तक नहीं सुधरेगी तब तक वचन नहीं सुधरेंगे। और देख देख के ऊपर ऊपर से कई देवे तो बाद में कोई दम नहीं होगी, भैया क्षमा क्षमा करना। अब भीतर में क्रोध है तो क्षमा क्या करो, बैठ तो भीतर बंद हो गए। माने क्षमा के लिए क्रोध का भाव चाहिए, वैर का भाव चाहिए, ईर्ष्या का भाव चाहिए, द्वेष का भाव चाहिए, तब क्षमा होगी। फिर तुम मौत ही नहीं कहोगे तो क्षमा। देखो आप जो दर्शन पाठ पढ़ते हो उसमें ये लिखा है, जो हम कह रहे लिखा है कि नहीं बता? तव पद्म उर्मे आए लख कुमत विमोह पलाए, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, रुचि लगी हित में।
आत्म के सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई यह भावना तब भक्ति में जाऊं रमा। प्रिय वचन की हो देव गुणगण, गान में ही किस पगे। बुला ले बस, इसको भी आ गया मन दोष वादन का भगे। क्यों भाई, मन से वादन माने क्या होता है? मन दोष वादन से भगे, शब्दार्थ करो, दोषों के कहने तो वचन से, मन से कही आते कि वचन से कही आते? भैया मन में अगर अकेले में भी कहीं सोच रहे हो तो आज नहीं कर कहू न कहू प्रसंग में मौ से निकल जाए, और मन में ही नहीं सोची आएगी तो निकलेगी का। इसलिए हम कहते हैं भैया गांधी जी के बंदर नास्ती से कहे हैं, हम अस्थि से कह रहे हैं उनको, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, और फिर आगे बोलो, आगे बोलो फल, अच्छा करो और अच्छा भोगो। प्रशंसा करो, प्रशंसनीय बनो, भक्ति करो, भगवान बनो, पूजा करो, पूजनीय बनो, स्वाध्याय करो, ज्ञानी बनो, सत्संगति करो, अच्छे गुण प्रकटाओ, अच्छे बनो। आ गया उसमें, अच्छा सोचो, अच्छा बनो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। जैसे लौकिक में कहे अच्छो खाओ, अच्छो पहनो, अच्छी तरह रहो, लेकिन अब वो अच्छे और बुरे की पहचान तुम्हारी नहीं है। सही बात ये है, मिथ्या दर्शन के साथ में जिसे तुम अच्छा मानते वो अच्छा नहीं है, न तुम्हारे लिए सुखकारी है, न तुम्हारे लिए प्रसन्नधनी है। मिथ्या दृष्टि का विपरीत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत विपरीत है? जिसे अच्छा है, जो अच्छा है उसे जानता नहीं, और जिसे अच्छा मानता है वह अच्छा है नहीं। क्यों भाई, अपने परमात्मा जीवन गमाना अच्छा है? पंचेंद्री के भोगों में उलझा रहना अच्छा है? अन्याय से कमाते रहना, रहे करोड़पति अरबपति बन जाना, ये कोई अच्छा है? हैं, करोड़ों को मार करके स्वयं बचाने की कोशिश करना ये अच्छा है? दूसरों को गिरा करके उठने की ये अच्छा है? धक्का दे करके आगे बढ़ने की ये प्रवृत्ति अच्छी है? कर बताओ, ये नहीं जानते तुम? दूसरे को धक्का दे करके अगर आगे बढ़ोगे तो कोई बलवान आएगा तुम्हें भी तो धक्का, तुम्हें भी फिर तुम बड़बड़ाओगे, फिर तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? ये बैराग के प्रसंग बन गए ऐसे, आपने पढ़े होंगे। बताओ जीवंदर कुमार को बैराग कैसे हुआ? आ गया यार, जीवंदर कुमार को बैराग कैसे हुआ? क्यों भाई बता, ऐसे काम थोड़ी, तो तुम्हें कैसे हुए? जैसे उन्हें हुआ तैसे ही तो तुम्हें हुए। चलो, जीवंदर कुमार एक दिन बाग में बैठे थे, वे देख रहे थे एक बंदर और बंदरी। तो किसी प्रसंग में वो बंदर से बंदरी रूठ गई, रूठ गई। अब वो तो तुमने वो देखा होगा बंदर का, तुम था तो वो रूठा माटी होती है ना, तो तुम सोचा हम में ही होती है, ऐसा नहीं है, बेबी तो जीव है, संगी है। तो रूठ गई, अब रूठ गई तो बस अब वो बंदर उसे मनाने लगा, मनाने लगा। अब बताओ भैया सांस साथ है, जैसे मर गई हो। बंदर ने अब सोचा क्या करें, खैर उसने मना लिया। तो उसने पेड़ का जो फल था उसको बंदरी को दिया, पेड़ का फल
बंदरी को दे दिया, या बंदर ने बंदरी ने बंदर को दे दिया, क्या था बंद देख लेना उस ग्रंथ में। सो उसको पेड़ को बंदर को दे दिया, और जैसे ही वो बंदर ने पेड़ फल पकड़ा उसी समय वो मारी आ गया। तो पकड़े वो लिखा माने छोड़ दो मारी नहीं, माली के हाथ में आ गया वो फल। माली ने जैसे ही देखा महाराज बैठे जीवंदर, तो महाराज को दे दिया। अब जीवंदर कुमार उस फल को रखे हुए विचार कर रहे हैं, देखो पेड़ का फल बंदर बंदरी ने लिया, बंदर से बंदरी से बंदर ने ले लिया, बंदर से माली ने ले लिया, माली से मेरे मार दिया, और मेरे पास भी कहाँ रहने वाला, राग हो तो रानी को दे देंगे और क्या करें, ले देखो ठीक है ना। इसी प्रकार राज हमारे पिता सत्येंद्र था, फिर काष्ठांगर ने ले लिया, काष्ठांगर को मार करके हमने ले लिया हमारी बात। अरे ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, संसार प्रेम करने लायक नहीं है, राग करने लायक नहीं है, बैराग हो गया। कदे लगे ज्ञानी को बैराग, जो भीतर चिंगारी सुलग रही है, बस चूल्हे सुलग ही रहो है, नेक दब गए बस सुलग आई हो, कदे लगने अब बाबा कछु है ही नहीं तो सुलगा सुलगेगा ही नहीं, बंदरों जैसा बड़ा होगा तुमने बंदरों का है। सर्दी का समय बंदर बिचारे पेड़ पे बैठे ठंड के मारे कप रहे, इतनी ठंड लग रही, तो उधर से निकले चार यात्री, चार यात्री निकले सुबह पेड़ के पास बैठ गए, उन्हें इधर उधर के पत्ता वत्ता इकट्ठे करके और एक पास माचिस की बंद जरा आग लग गई, आग लगी सुबह खूब तापो सूखो अपने, फिर आगे चले गए। बंदरों ने देखते रहे नकलची तो होते ही, तो बस उन्हें जी बढ़िया बात है। तो जब तक वो आग की गर्मी रही वहां बैठे रहे, फिर उन्हें कहा अपन भी ऐसा ही किया करेंगे। तो दूसरे दिन से उन्हें वो पत्ता फत्ता इकट्ठे करे बंदर ने, लकड़ियां रखी, उन्हें कि ऐसे गड्ढा करो तो ऐसे लकड़ियां रखेंगी, ऐसे पत्ता रखे थे तो रख ले, अब वो चलेगा। फिर उसको अरे जी लाल लाल कछु डारो तो सो पकड़ पकड़ के भी जुगनू क्या जाए। हमारा मतलब अगर चिंगारी भीतर हो तो सुलगे, अब चिंगारी है ही नहीं तो सुलगे ही कहां। जिनको बचपन में तत्व ज्ञान के अभ्यास होते हैं उनको बैराग होने में देर नहीं लगती, देखो पुराण पढ़ो नेक नेक सी घटना में बैराग हो गए, और जिन्हें अभ्यास ही नहीं है जिनका ज्ञान ही करता नहीं है, अब बिना कारण कार मन सुनाओगे तो घबराएंगे और कहा मर रहा है भैया। सही घटना है, एक बुजुर्ग थे 60-70 वर्ष की उम्र होगी लगभग, सो एकदम तबीयत खराब होगी डॉक्टर, तो उनकी पत्नी को थोड़ी धर्म रुचि थी, सो वो समाधि मन सुनाने लगी, सो बिचारे घबराए बोले हम कब मर रहे हैं भाई, समाधि मन का अरे भगवान भैया भीतर से आता है जो कुछ होगा भीतर से पता। तो अनादिकाल के स्वरूप तो है सो है, लेकिन स्वरूप संबंधी अज्ञान भी अनादिकाल से, माने सत्य भी अनादिकाल से है और असत्य भी अनादिकाल से है कि नहीं। तो उस असत्य के त्याग पूर्वक सत्य की चर्चा है आगम, असत्य के त्याग पूर्वक असत्य सत्य की चर्चा की गई। अब असत्य किसको कहा, मूल श्लोक के शब्दों से बोलना, जैसा स्वरूप है उसके विपरीत कहना, अथवा तो अहितकारी क्या दुख का कारण। असत्य के दो अर्थ है, एक तो विपरीत और एक दुखकारी, स्वपर को दुखकारी, इनको असत कहा गया। अब इनके चार भेद करे गए, तो पहला असत क्या किया, पहला असत बोलो
पहले प्रकार के असत्य की चर्चा बता। अरे पहल तो है भैया, समझा मती पहले बोती बता रोचना सत का लोप करना, जो है उसको निषेधना, सत का लोप, अपना कुछ भी शब्द कह सकते हैं, माने जो है उसको निषेधना। अब ये असत्य लौकिक दृष्टि से तो आप बहुत पढ़ लेते हो, अपने पास है और वो है नहीं, वो है नहीं, ये तो कहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की साधना इनको इनके द्वारा कहा था ना, ये सत्य व्रत अपने लिए दुख दूर करने का उपाय है, सुखी होने का साधन है, जिन्हें सुखी होना हो वे असत्य को छोड़ करके सत्य को व्रत को अंगीकार करें। तो असत का लोभ, सत का लोभ का अर्थ क्या हुआ, देखो आत्मा में शक्ति है कि नहीं, क्या करें भैया शक्ति नहीं है, क्यों शक्ति नहीं, और गावे भगवान होने की शक्ति है, क्यों भगवान होने की शक्ति है और सुखी होने की शक्ति नहीं है, ज्ञानी होने की शक्ति नहीं है, हमारे पैरों में 10 किलोमीटर मौ जाने की शक्ति है और बाजार तक जाने की शक्ति नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी भैया, क्यों असत का लोभ किया, सत का लोभ किया कि नहीं, शक्ति है और तो भी हमेशा बहाना करता रहेगा, क्या करें शक्ति नहीं, भक्ति तो बहुत है हमारी, भावना तो बहुत है लेकिन शक्ति नहीं, झूठ बोलता है, शक्ति बहुत है भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, दृष्टि नहीं है, मूल बात है रुचि नहीं है, ठीक है ना, सत का लोप हो गया, क्या करें बुद्धि नहीं है, क्यों बहाने बनाने के लिए बुद्धि है, बहाने बनाने के लिए बुद्धि है, लौकिक कार्यों के करने के लिए बुद्धि है, और तत्व को समझने के लिए बुद्धि नहीं है, क्यों क्या हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं सच्ची बोल रहे हैं, बुद्धि नहीं है। अगर कोई असंगी कहे, देखो द्रव्य द्रव्य स्वभाव से देखें तो केवल ज्ञान की शक्ति है, बुद्धि है, कितनी बुद्धि है तुम्हारी पास, सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं, और अगर वर्तमान पर्याय को देखें तो आप संगी हैं कि नहीं, और संगी कैसे कहते हैं बताओ, संगी किसे कहते हैं, देखो साहस की थोड़ी सी बात बोला करो, शिक्षा उपदेश को ग्रहण कर सकता है, हित अहित का निर्णय कर सकता है, सोच समझ सकता है किधर जाए किधर नहीं जाए, क्या करें क्या नहीं करें, कर सकता है, वो दूसरी शिक्षा उपदेश को जिमूल परिभाषा है, शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने लायक बुद्धि है तुम्हारे पास, और तुम कहते बुद्धि नहीं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, झूठ बोल, बहाने बनाने की बुद्धि है और काम करने की बुद्धि नहीं है, आज्ञा मानने की बुद्धि है नहीं है, और आज्ञा टालने की बुद्धि है तुम्हें, घुमाने फिराने की बुद्धि तो है और सीधी सीधी स्वीकार कर लेने की बुद्धि नहीं है, बताओ जी कहां से आ गई भैया, कोई आत्मा ज्ञान रहित होता है, इसी प्रकार कोई संगी जीव शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने लायक शक्ति, व्यक्त शक्ति, व्यक्त की बात है प्रकट, अगर शक्ति के बिना होता है तो तुम कह रहे बुद्धि नहीं, झूठ बोल रहे कि सही है, हमारी इतनी बुद्धि है, हम ये कहते हैं इतनी बुद्धि की जरूरत ही नहीं, इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है जितनी बुद्धि तुम में है, ये ज्यादा खुराफाती बुद्धि तो परेशान कर रही है तुम्हारी, पशु समझ सकते हो तुम नहीं समझ सकते,
एक बात बताओ, पशु समझ सकते हैं और बेसमय तो प्राप्त कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे। जी के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए तुम। सोचो समझो विचार करो। असत का लोभ करना, वो सत का लोभ करना, असत का वो सत का लोभ करना बुद्धि नहीं है। कौन से नए से कह रहे तुम, कौन से नए से कह रहे बता दो। किसी नए से कहो तो हम सही मान रहे तुम्हारे, कहो नए से तो सही नहीं। बुद्धि नहीं थोरी रे हे आत्मा देखी दोते तोरी। क्या नाम किया? बुद्धि नहीं थोरी रे। जो ये कहते हैं बुद्धि नहीं है, विनय की बुद्धि आगे चलती है। बहाने बनाने में ज्यादा बुद्धि चाहिए कि आज्ञा मानने में ज्यादा बुद्धि चाहिए, बता देता हूं मैं। बुद्धि नहीं तो दूसरा असत्य हो गया। वो पहला असत्य है, तीसरा बोलो समय नहीं है। हाथ उठाओ किसके लिए 22 घंटे का दिन होता है? हाथ उठाओ किसके लिए 22 घंटे का दिन होता है? सबके लिए 24 घंटे का दिन है कि नहीं है? फिर समय क्यों नहीं बताओ? तुम्हारा समय कहां चला गया ये तो बताओ। तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में, तूने अपनी बुद्धि खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में, तूने अपना समय खोया झूठे व्यर्थ विकल्पों में। बुद्धि है कि नहीं बताओ? शक्ति है कि नहीं है? समय है कि नहीं है? क्या करें, हमारे पुण्य का उदय नहीं है भैया। क्या करोगे ज्यादा पुण्य को उदय? ज्यादा पुण्य का उदय होगा तो क्या करोगे फिर तुम? परमात्मा प्रकाश में पूछो आचार्य योगेंद्र देव से। पुण्य से वैभव आता है, वैभव से मद होता है, मुझसे बुद्धि विभ्रम होती, उसे पाप होता है, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा पुण्य चाहिए हे भगवान आपकी भक्ति बनी रहे। सदा सुखदास जी कहते ऐसा हमें चाहिए सर कि हम स्वाध्याय ज्यादा कर पाए, तनखा कम कर दे कोई बात है। अरे कौन की ताकत है तनखा कम कर गई? जितने तुम्हारी पुण्य की सामग्री जबरन आएगी, जबरन क्या कहूं जाओ। वो पड़ती का कथा समझ लो, कहानी समझ लो। पड़ती एक व्यक्ति था, उसने नियम लिया मुनराज के पास। साधारण रहन सहन, साधारण अपना व्यापार, साधारण तरीके से रहने वाला, बड़ी अच्छी संतोषी नियम ले लिया। बिना दिया हुआ बाहर का कोई सामान हम नहीं लेंगे, जब तक कोई नहीं बाहर से कोई नहीं लेंगे, घर की चीज अलग बात। ठीक है, एक दिन जा रहा सो ठोकर लग गई, ठोकर लग गई सो उपट पड़ो, सो नीचे निकल पड़ो। कल था जंगल में, ये अब क्या कर, बिना दिया तो ले नहीं सकते, बिना दिया तो लेंगे नहीं हम। उन्हें उठाओ सर वैसे करो मट्टी दरिया पैसा आए के घर काम में लग गए अपने, कोई चर्चा नहीं। रात को जब सोए तो पत्नी से चर्चा कर रहे थे, आज ऐसे वैसे हुआ। और संयोग की बात उसी दिन दो चोर आए, वो छत पे बैठे सो रहे थे। मुझे बड़ा मूर्ख आदमी है, कल सा निकल वो जो छोड़े आओ मोरन को भरो, अपन छोड़ जा घर में वही चल रहे। तो पहुंच गया और दिख गए तू उपटा उपटा उसे, कल सा निकल पड़ो, कल सा निकल पड़ो। लेकिन वो तो भाई पुजगल का परिणमन है,
जाके बाकी की काई मिलेगी। धनी कुमार ने ऐसे खोदो कलसा निकल पड़ो। किसान बोलो भैया हमें इतने दिन जोता जोता हो गए, हमें तो कबू नहीं निकलो, तुम्हारे भाग को है तुम्हें ले जा। सुबह में तो भैया भी बीची भीजू निकल पड़े। अच्छा हमें फसवा दो जाए मरवा दो, हम देखा था भैया तो बांधो बैसो को बैस हुई पारो रखे और बूरा भूरा में और ले आए और ले के छत पर चढ़ गए था पटक दो बोले खन खन की आवाज भी बिचारी डर के उठी कवा दे रहा दे गए तो आंगन में मोरे ही मोरे निकालो। पत्नी बोली देखो तुम्हारे इतिहास का फल है नियम का फल है, तुम बाहर की चीज तो बिना दिए लाएगे नहीं तुम्हारे घर आएगी नहीं और लाने वाला भी ले आया। तुम कहती हो क्या करें हमारे पुण्य को उदय नहीं, अरे भाई मूड मत बनो और तुम्हें झूठ बोल रहे हो तुम्हें सही पढ़ते हो रोज अति पुण्य उदय मम आय। अब तुम्हारी कौन सी बात माने, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो भगवान के दर्शन क्यों मिल रहे, आंखें कैसे मिली। ये तो दो तुलना तुमने पढ़ी होगी, दो तुलनाएं पढ़ी है, आंखें पुण्य के उदय से मिलती हैं भगवान के दर्शन महापुण्य के उदय से, कान पुण्य के उदय से मिलती है जिनवाणी सुनने को महापुण्य के उदय से मिलती है, जिभ्या पुण्य के उदय से मिलती है, लेकिन भगवंतों का गुणगान तत्वों की चर्चा तत्व की प्रभावना महापुण्य के उदय से। हरेक के भाग्य में नहीं है, बहुत पुण्य उदय चाहिए और बहुत पुण्य के परिणाम चाहिए, अकेले पुण्य के उदय भी नहीं। अब बताओ पुण्य का उदय तुम्हारा है कि नहीं, नहीं तो यहां कैसे बैठे हो, क्यों वहां ठिठुर का नहीं रहे सड़क पे फुटपाथ पे पड़े, यहां कैसे बैठे तुम अपने उड़े आ रहे आराम में, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो क्या करें। हमारी कसाय बहुत तीव्र है, तीव्र कसाय होती तो हम यहां बैठे होते, इनका लड्डू बैठ रहे हम पूछ रहे, यहां का तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। हम तो कह देते सभा में भैया हम तुम्हें खुश करके कसी बहे थोड़ी आए, हमें तो हम तो तुम्हारे दोस्त बताए हुए आए, दोस्त निकाल हुए आए, तुम्हारी समझ में आए तो निकाल लो, नहीं समझे तो रहने मोर अज्ञान। हम तुम्हें खुश करके कसी चंदा करे भी थोड़ी आए, तुम्हारे कछ अभिनंदन करावे थोड़ी आए, तुमसे कछ अपन जयंती मनवा हुए आए हमका, हम तो तुम्हें जन्म मरण से रहित आत्मा बताने आए भैया, काय को लगे इन मातर में हमारे पुण्य उदय नहीं। अब बता एक सच्ची बोलती हो तो बता दू, कितनी शक्ति है कितनी बुद्धि है कितना समय है कितना पुण्य का उदय, और तो अभी झूठ बोला बोल के बड़े, शक्ति नहीं है बुद्धि नहीं है समय नहीं है पुण्य का उदय नहीं है, भगवान झूठा पंडित टूटरमन जी कहते अब सब प्रकार से अवसर आया, अब सब प्रकार से अवसर आया, इस अवसर में धर्म न करे न जाने के गत में पड़े, फिर क्या करे वो जाए, सोच विचार कर भाई। तो सत्य का स्वरूप सत्य व्रत काय के लिए है, काय के लिए हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, अपने समय पर हैं, समय पर क्या लिखा है बोलो, सब काम समय पर और भेद ज्ञान हर समय करें, और पुण्य के उदय का सदुपयोग करें, पुण्य के उदय का न अभिमान करें न दुरुपयोग करें, भेद ज्ञान रखें, ये अध्रुव है विनाशी है। आज पुण्य उदय है कल पाप का उदय, कल पाप का आज पाप का उदय कल पुण्य का उदय, ये तो माया छाया है, यहां में कोई दम नहीं, और मोक्ष मार्ग में लगे, ये व्रत काय के लिए है, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए है, और लगने के लिए ही नहीं है बढ़ने के लिए है, मोक्ष मार्ग में
मात्र लगने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए है। इनके सहारे बढ़े चलोगे तुम आगे, अगर व्रत नहीं होंगे तो बढ़ नहीं पाओगे। वही क्यों वही वही क्यों वही विचारना। हे जिनवाणी भारती को जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, अपनी के ज्ञान से सदा एक सुनो।